हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से बाबा हिंदी व्लॉग में। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ भावनगर के टॉप बीच के बारे में। लेकिन टॉप बीच में से हम सिर्फ एक ही बीच पे आए हैं अभी, और उसका नाम है कूड़ा। कूड़ा का बीच, कूड़ा गाँव जो है वो समंदर के बिल्कुल मतलब कि आखिरी वाला गाँव है, वहाँ से समंदर शुरू होता है। तो हम जाएंगे वहाँ पर और मैं आपको बताऊँगा कि आप कपल में आ सकते हो, फैमिली में आ सकते हो, क्या क्या है वहाँ पर, कैसा लोकेशन है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अगर आप भावनगर से आ रहे हो तो कोलिया गांव से पहले कूड़ा गांव का रास्ता जो है वो हाईवे से अलग होता है, तो वहीं से जाना पड़ता है। और वहां से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे कूड़ा बीच है। दोस्तों रास्ते की अगर बात करें तो रास्ता बहुत बुरी हालत में है, मतलब गड्ढे वड्ढे बहुत हो चुके हैं इसमें। लेकिन वातावरण की अगर बात करूं तो ऐसा वातावरण शायद कहीं नहीं देखने को मिलेगा। दोनों साइड में खेत है और हरा भरा खेत है, उसके बीच में से रास्ता जाता हुआ है। मतलब 3 किलोमीटर कैसे पार हो जाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा आपको। तो चलिए चलते हैं बीच की ओर और देखते हैं वहाँ पर क्या। सब लोग बोलते हैं कि कपल के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि कैसी जगह है वहाँ पे। दोस्तों लोकेशन की अगर बात करें तो भावनगर सिटी से करीब करीब इसके 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है, और आपका खुद का व्हीकल लेके आना पड़ता है यहाँ पे। दोस्तों पहले हमें लगा था कि शायद रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन रास्ता सही है और अभी फाइनली पहुँच चुके हैं कूड़ा गांव के बीच जो है वहाँ पे। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, यहाँ पे पार्किंग एकदम फ्री है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आते वक्त यहाँ पे है कूड़ागरी माता का मंदिर, तो सबसे पहले उसके दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सभी लोकेशन पे और बीच पे। अभी यहाँ पे एक नोटिस लगाई गई है कि पानी में नहाना मना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कई बार कई लोगों की पानी में डूब के मौत हो चुकी थी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी है, मतलब भुट्टा मिल रहा है, नारियल पानी और कोल्ड ड्रिंक्स, खाने की भी व्यवस्था की गई है, स्पेशल ऑर्डर भी ले रहे हैं ये लोग यहाँ पे। मतलब व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, आप फैमिली में कपल में सब आ सकते हो और कोई परेशानी नहीं है इसमें। दोस्तों अभी फाइनली कूड़ा बीच पे हम आ चुके हैं और आप देख सकते हो बीच बहुत बड़ा है, मतलब आप फैमिली में आ सकते हो और बहुत सारी फैमिली आती भी है। हम सुबह के करीब 8:30-9 बजे पे यहाँ पे आ चुके थे, तो अभी तक तो कोई फैमिली या कपल नहीं है, लेकिन कपल भी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। और छोटे मोटे स्टोर भी है यहाँ पे, मतलब आपको नाश्ता वास्ता करना है या कोल्ड ड्रिंक्स का वगैरह स्टोर है तो आप वो भी कर सकते हो। और फैमिली की आप पूरा हॉलीडे में मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, आप घूम सकते हो। और आगे यहाँ पे एक पास में ही कोई पॉइंट बना हुआ है, लव पॉइंट, तो वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अभी सामने दिख रहा है लव पॉइंट, लव बाइट पॉइंट है, तो अभी जाके देखते हैं। लगता है अभी तो कोई नहीं है, सुबह का टाइम है, बहुत अर्ली मॉर्निंग आए थे हम लोग। यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, मतलब लव पॉइंट स्टोर है एक, और आगे टेंट जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे। तो मतलब कि यहाँ पे बहुत अच्छा बना है, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, सुबह का टाइम है, तो शाम को बहुत अच्छा लगता है। उसका मैं आपको एक पिक दिखाऊंगा जो कि मेरे पास है पहले से ही, तो मैं दिखाऊँगा। और यहाँ पर कई सारे कपल आते हैं, आप भी आ सकते हो, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत अच्छी जगह। दोस्तों एक बीच के पास ही, मतलब बिल्कुल जो कूड़ा बीच है उसके पास ही
एक पुराना बंगला है, मतलब कुछ हेरिटेज साइट हो ऐसा लगता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो यहाँ पे आके फोटोग्राफी कर सकते हो, क्योंकि लोकेशन फोटोग्राफी के लिए अच्छा है। और आप जैसे वीडियो में देख रहे हो वैसा ही बिल्कुल है, और बीच के एकदम पास ही है। अभी पुरानी हालत है इसकी, इसलिए फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी आती है यहाँ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कोलियाक निष्कलंक महादेव टेम्पल का, तो उस वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए बाय बाय।